हाय गाइस, आज का जो ट्रेनिंग का डे है वो बाकी दिनों से अलग है क्योंकि आज हमारी कोई क्लासरूम ट्रेनिंग है, कोई लैब नहीं है। आज हम जा रहे हैं बिरसी एयरपोर्ट गोंदिया में फैमिलियराइजेशन के लिए। तो चलो मेरे साथ चलो और देखते हैं आज क्या क्या उस एयरपोर्ट पर मिलता है देखने को हमें, और क्या क्या चीज़ें हैं सारी चीज़ें देखेंगे। चलते हैं। So we were given time 9:30 AM and we are here at 9:30 waiting for our instructors and we will go then. ये टर्मिनल बिल्डिंग तो नागपुर में भी नहीं है। हाँ, ये टर्मिनल बिल्डिंग है, नागपुर की इतनी अच्छी नहीं है। इतनी अच्छी टर्मिनल बिल्डिंग है, काफी पैसा खर्च हुआ। और ये देखो रोड भी कितना बढ़िया बना रखा है, बहुत बढ़िया बनाया था प्रफुल्ल पटेल ने, सब प्रफुल्ल पटेल के कमाल है। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट के अंदर, अभी एयरपोर्ट के अंदर जाना है और सबसे पहले इस बिल्डिंग से एंटर करेंगे हम। ये आयुष है, आयुष अग्रवाल। टोटल 24 लोग हैं हम, दो बैच हमारे थे, एडीसी बैच 11 और एडीसी बैच 12। ये अभी हमारे ज्ञान प्रकाश जी हैं और यहाँ से अब हम एंटर कर रहे हैं। ये देखो एक छोटी सी बैलगाड़ी यहाँ पर रखी हुई है। एयरपोर्ट पर बैलगाड़ी आपने पहली बार देखी होगी, यहाँ पे हवाई जहाज भी हैं और बैलगाड़ी भी है। यही गोंदिया एयरपोर्ट की खूबसूरती है। और ये हैं हमारे संजय संजू फ्रॉम कैलिकट। तो यहाँ आने के बाद अब हम दो बैच में डिवाइड हो गए हैं, 12 लोग और 12 लोग। 12 लोग चले गए हैं टावर की तरफ और हम 12 लोग जो बचे हैं अब जाएंगे फायर स्टेशन की तरफ। सर ने बुला लिया है तो हम फायर स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर सर हैं, पीसी सोमपुर सर, जो हम कल लेके जा रहे हैं फैमिलियराइजेशन के लिए। तो फाइनली अभी हम हैं फायर स्टेशन और सामने आप देख पा रहे होंगे ये जो गाड़ियां खड़ी हैं, इनमें से कुछ एम्बुलेंस हैं और दो जो रेड कलर की गाड़ियां आपको दिख रही हैं, इनको कहा जाता है क्रेस्ट फायर टेंडर। ये बहुत ही कॉस्टली गाड़ियां होती हैं और बहुत ही फास्ट इंटरवीन करती हैं अगर कहीं पर कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो। तो ये फायर स्टेशन है,
और ये फायर स्टेशन का ऑफिस है जहाँ से सारी कमांड्स वगैरह दी जाती हैं, और जैसे ही ज़रूरत पड़ती है तुरंत ही हमारे पास ये जो व्हीकल दिख रहा है आपको, क्रेस फायर टेंडर मैंने जैसे बताया आपको कहते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। अभी शायद सर आएंगे और हमको एक एक करके बताएंगे कि फायर स्टेशन में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें यूज कर रहे हैं, क्या उनका यूज़ है, किस तरीके से उनका काम होता है। उससे पहले आप देखिए जो सामने आपको दिख रहा है, ये इसको कहते हैं एप्रन। एप्रन में सारे एयरक्राफ्ट्स वगैरह खड़े होते हैं, तो यहाँ पे खड़े हुए हैं। सामने आपको रनवे दिख रहा होगा, टैक्सी वे जिस पे काम चल रहा है, ये एयरोड्रोम की बाउंड्री थी। और हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं कि अभी सर अंदर बात करने गए हैं एक बार, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो फाइनली सर ने बात कर ली और गाड़ियाँ भी आ गई हैं, हम लोग अभी बैठेंगे इसमें और तुरंत निकलेंगे रनवे के इंस्पेक्शन के लिए, रनवे देखेंगे। ये हमारे आयुष जी थे जो अभी आगे जाके बैठ गए हैं। आयुष जी को सबसे पहले बैठने का बहुत शौक है। परमिशन टू एंटर रनवे वाया पापा वन फॉर रनवे इंस्पेक्शन, और स्टूडेंट को रनवे के बारे में थोड़ा बताना है। ये अपराट आया सर, अभी अपन टैक्सी में पापा वन में जाएंगे। तो बोलते विंड्स ऑफ, याद रख लेना आपको होल्डिंग पॉइंट बताया था ना। यस सर। तो अभी होल्डिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, यहाँ पे एक बच्चे के पास, ये देखो पापा टू है ना, पापा टू से हम अभी पापा टू से हम रनवे की तरफ जा रहे हैं। तो ये जीरो फोर जो दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से जीरो फोर स्टार्ट, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो फोर और इस साइड से टू टू। दिस इज द मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन साइन। यस सर, वो देख लेना। अभी इसको ये देखो होल्डिंग पॉइंट मार्किंग देखो किस किस तरह से होती है। येलो राइट, येलो मार्किंग इज टैक्सी वे। रनवे थ्रेशोल्ड क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? Thank you.
तो फायर स्टेशन, एप्रन और रनवे के बाद अब नंबर है एटीसी टावर का। तो हम लोग एटीसी टावर जा रहे हैं। एटीसी टावर तुम्हें पता है कि हाइट पर होता है, इसलिए लिफ्ट को यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग लिफ्ट पे आ गए हैं। तो अब एयरपोर्ट विजिट के बाद हम लोग वापस आ गए हैं। और रॉबिन कैसा रहा तुम्हारा विजिट? मजा आया, एंजॉय किया काफी। तो अब वापस जा रहे हैं नियाटाम। आगे सौरभ बैठे हुए हैं, कटनी। ये कटनी से हैं इसलिए इनको हम कटनी कहते हैं। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस एयरपोर्ट विजिट का? सीएफटी वाला औसम था, इनको पसंद आ गया सीएफटी वाला। चलो कोई नहीं, दोबारा मिलवा देंगे। सो फाइनली हम आ गए हैं हॉस्टल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप कि तुम्हें व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ी थोड़ी थकान है, थोड़ी देर बाद लंच करने जाएंगे। बाय।